हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरी एक और वीडियो में, जिसमें आज हम हमारे मिनिएचर जेड प्लांट की कटिंग को ग्रो करने से लेके उसे एक बोनसाई के रूप में डेवलप करने तक का सफ़र तय करेंगे। प्लांट को मैंने मेन ग्रोइंग पॉट से अलग कर लिया है। उसके बाद मैंने इसकी जो थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करनी थी वो स्टार्ट की है। अभी ये प्लांट मेरा प्रॉपर शेप में नहीं है, आने वाले समय में ये प्रॉपर शेप में होगा। इसके लिए मैंने अब इसकी जो एक्स्ट्रा रूट है उसे भी कट कर लिया है। हमने एक छोटा सा प्लास्टिक का पॉट तैयार किया है जो पहले वाले से काफ़ी छोटा है। इसके ड्रेनेज होल को हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो सॉइल मिक्सचर मैं मेरे बोनसाई प्लांट में इस्तेमाल करता हूँ वही इसमें डाल देंगे और फिर हम प्लांट को सेंटर में सेट करके देखेंगे। जो रूट्स मुझे सेट नहीं हो रही थी उन सभी को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मैं फिर से प्लांट को पॉट में शिफ्ट करके देखूंगा। प्लांट के सेंटर में शिफ्ट होने के बाद हम इसके चारों साइड मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद हम उसे किसी भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अच्छे से दबा देंगे ताकि कोई भी एयर पॉकेट्स इसके बीच में ना बचे। जब आप ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसमें एक बार के लिए फुल पानी डाल दें ताकि प्लांट को किसी भी प्रकार का शॉक ना लगे। उसके बाद आप प्लांट को छायादार जगह रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। धन्यवाद।